सिर्फ 7 दिन लगातार खाली पेट पान के 2 पत्ते खा लो, जड़ से समाप्त हो जाएंगे आपके ये 7 भयंकर रोग। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हमारे जीवन में हमारे आसपास कुछ ऐसे भयंकर रोग हैं जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज का नाम दे दिया है, और उन्हीं रोगों में से एक है डायबिटीज। आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई पेशेंट जरूर होगा जिसे डायबिटीज हो रखी होगी, और आपने ये भी देखा होगा कि वो दुनिया भर की दवाइयां खा रहा होगा, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे बता रखा है कि मधुमेह एक लाइलाज बीमारी है और इसमें आपको लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका शुगर लेवल घट या बढ़ सकता है, इसलिए उसे जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। पर क्या आप जानते हैं, मधुमेह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आपके शरीर में कोई भी बदलाव होता है तो उसका कारण हम खुद होते हैं। डॉक्टर आपको कभी भी बीमारी का कारण नहीं बताते, बस दवाइयों पे दवाइयां देते हैं, और उन दवाइयों को भी आप अच्छे से नहीं समझ सकते कि आखिर इन दवाइयों से आपके शरीर में कैसे क्या असर होगा। आज की मेरी ये वीडियो आप अंत तक देखें, इसी प्रकार के और भी काफी भयंकर रोगों के बारे में आप जान पाएंगे कि आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, जिन्हें डॉक्टर बोलते हैं कि वो लाइलाज हैं, वो भी थोड़े से पैसे में। अगर आपको किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको उस बीमारी के बारे में समझना होगा, वो चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो या फिर हार्ट अटैक की समस्या हो। अगर आप उस बीमारी के बारे में समझ गए कि आखिर ये होती क्यों है या ये होती कैसे है, तो आप आधी बीमारी को तो अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आखिर डायबिटीज है क्या और आपको हुई क्यों। डायबिटीज है हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ना। शुगर यानी चीनी का मतलब है कि कोई भी मीठी चीज अगर हमारे खून में बढ़ जाती है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो हमारे खून में मिल जाती है और एनर्जी में तब्दील हो जाती है। अगर हम चीनी खाएंगे तो वो भी हमारे खून में मिल जाएगी और एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। आखिर इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन के जितने भी ज्यादा हार्मोन अगर हमारे शरीर में होंगे तो हमारा खाया गया खाना, हमारी खाई गई चीनी उतनी ही जल्दी पच जाएगी और शरीर को एनर्जी दे देगी। पर किसी कारण अगर इंसुलिन कम बन पाता है तो हमारे शरीर को वो चीनी से एनर्जी नहीं मिल पाती और शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं, अगर वो इंसुलिन उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा तो वो हमारे खून में पड़ी रहेगी और हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। अब आप ये बात तो सीधा सीधा समझ चुके हैं कि आखिर आपको डायबिटीज क्यों हुई, क्योंकि आपके पैनक्रियाज ने काम कम किया जिसके कारण इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हुई, और हमारे शरीर में जैसे ही इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हुई तो हमारे शरीर में हमारे रक्त में जो शुगर है उससे एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाई, जिसके कारण हमारे रक्त में शुगर बढ़ने लगा। अब आपको समझना होगा कि आखिर आपके पैनक्रियाज ने काम क्यों नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण है आजकल का हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम बात करें, जो ये डायबिटीज है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, इसे हम लाइफस्टाइल डिजीज कह सकते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो लाइफस्टाइल डिजीज उसे कहते हैं जो हमारे गलत खान पान और गलत रहन सहन के कारण होती है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये बीमारियां अपने आप चली जाएंगी, वो भी बिना किसी दवाइयों के। अब हम अगर बात करें कि अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हाँ, हो सकता है आज की हमारी वीडियो इसी कारण थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर आपको जो इससे ज्ञान मिलेगा वो प्रॉपर होगा। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल को हम एक आसान तरीके से समझ सकते हैं। आजकल जो हमारा जीना है, रहना है, खान पान है, क्या आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों का भी वही खान पान था, वही रहन सहन था। इन दोनों में जो भी बदलाव हुए हैं उसे आप अपने लाइफस्टाइल चेंज से समझ सकते हैं,
क्योंकि अगर हम अपने दादा दादी के समय को देखें, उन्हें देखें और उसके बाद आज के अपने आप को देखें, तो जो भी इस बीच में बदलाव हुए हैं, यही हमारे लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं। जैसे अगर हम मोटे मोटे चेंजेस की बात करें, तो पुराने समय में जो हमारे खाने के बर्तन थे वो लोहे के होते थे, तांबे के होते थे या फिर मिट्टी के होते थे, और आज के समय की बात करें तो इन सब की जगह ले ली है एल्यूमिनियम के बर्तन ने, स्टील के बर्तन ने या फिर प्लास्टिक के डिस्पोजल्स ने। ये सबसे बड़ा बदलाव है जिसके कारण अस्थमा, डायबिटीज और जो भी ये नई नई बीमारियां आ रही हैं, इन सब का कारण हमारी खुद की रसोई है। अगर दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है हमारे एसी का, एयर कंडीशनर का। आपने देखा होगा आज की जो जेनरेशन है वो बिना एयर कंडीशन के नहीं रह पाती। थोड़ी सी गर्मी हुई क्या कि गाड़ी से लेके घर के कमरों तक सब जगह पर एयर कंडीशनर चलने लग जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले सब गर्मी को बर्दाश्त करते थे, थोड़ा धूप में खेलते थे। और आज की जो हमारी जेनरेशन है वो है इंडोर जेनरेशन। जब हमारे शरीर को धूप लगती है तो वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर पेड़ पौधों को धूप ना लगे तो वो निर्जीव हो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, हमारे शरीर की त्वचा है, अगर उसको धूप नहीं लगती तो वो विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं कर पाती और हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। क्योंकि दोस्तों विटामिन डी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें खाने से मिल जाएगी। जब हम आउटडोर जनरेशन बनेंगे, हमारे शरीर को धूप लगेगी, तभी हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी बन पाएगी। और अगली चीज की बात करें तो आजकल हम सबके घरों में एक आ गया है वाटर प्यूरिफायर, यानी आरओ का पानी। पर क्या आप जानते हैं, हम इसे कहते तो वाटर प्यूरिफायर हैं, पर ये प्यूरिफाई के चक्कर में पानी के जितने भी मिनरल्स होते हैं उन्हें भी खत्म कर देता है। कहने को तो आप साफ पानी पी रहे हैं, प्यूरिफाई पानी पी रहे हैं, पर ये पानी नहीं, आप लोगों के लिए जहर है। और अगली चीज की बात करें तो हम सबके घरों में आ गया है फ्रिज। ये पुराने जमाने में नहीं होते थे, जिस फ्रिज के कारण हम अपने खाने को स्टोर करके रख लेते हैं। पर आप भी जानते हैं कि हमारे दादा दादी की, यानी हमारे पूर्वजों के समय में फ्रिज जैसी कोई चीज नहीं होती थी। उन्हें जो भी चीज बनानी होती थी, खानी होती थी, ताजा बनाते थे और ताजा खाते थे। लेकिन अब फ्रिज के चक्कर में हम इन्हें स्टोर कर लेते हैं और एक समय का दूसरे समय में, दूसरे का तीसरे समय में खाते हैं। यही सब बासी चीजें आगे चलकर हमें डायबिटीज जैसी बीमारियों से घेरती हैं। तो दोस्तों इसी तरह की काफी चीजें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं, हमें बस इन्हें ही बदलना है। अगर आपको मुश्किल से 100 मीटर भी जाना हो तो आप बाइक या स्कूटर का सहारा लेते हैं, लेकिन पहले के जमाने में कई कई किलोमीटर पैदल चला जाता था। अगर कहीं पर जाना है, किसी रिलेटिव के पास में जाना है या किसी गांव में या शहर में किसी के पास जाना है, तो वो पैदल चलना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन आज के हमारे इन संसाधनों के कारण हम पैदल चलना तो भूल ही गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम कहीं अपने ऑफिस में जाते हैं या मेट्रो में जाते हैं तो हम सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट या एस्केलेटर्स का यूज करते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे बदलावों को अपने जीवन में लाएंगे तो आपका जीवन काफी बदल सकता है। दोस्तों ये तो हुए कुछ डायबिटीज से बचने के तरीके। वैसे डायबिटीज के साथ ये काफी भयंकर रोगों से आपको बचा सकता है। अब इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, मैं उनको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा, अगर वो उसे खा लेंगे तो 3 से 4 महीने में उनकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, उन्हें किसी प्रकार की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पान के पत्ते के बारे में। दोस्तों पान के पत्ते की बात आते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि पान खाना तो एक बुरी आदत है, एक नशे की आदत है। पर मैं आपको बता दूं, अगर पान का पत्ता इतनी ही बुरी चीज होता तो वो हमारे पूजा की जगह इस्तेमाल ना होता। अगर हम बात करें शिव भगवान की तो उन्हें भी पान के पत्तों से पूजा जाता है। हम अगर हवन की बात करें तो हवन में भी पान के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कितनी जगह है जहां हम पूजा के स्थान पर पान के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। पान के पत्ते बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। हाँ, अगर आप पान के साथ में कत्था और नशीली चीजें, तंबाकू जैसी चीजें बनाकर नशीला पान खाते हैं तो वो गलत है, ना कि सिर्फ पान का पत्ता। पर दोस्तों अगर आप
हमारे बताए हुए तरीके से पान के पत्ते को खाएंगे तो वो आपके शरीर में इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, आपकी पैनक्रियास ग्रंथि को काफी रिपेयर कर सकता है, जिससे आपकी डायबिटीज जैसे भयंकर रोग की रोकथाम की जा सकती है। पान के पत्ते को खाने का सही तरीका है कि सुबह सुबह आप एक पान का पत्ता लेकर उसमें बिल्कुल एक गेहूं के दाने जितना चूना मिला लीजिए और उसे खा लीजिए। दोस्तों, पान के पत्ते में विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन ए होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है क्योंकि आपने इसके साथ में चूने का इस्तेमाल किया है। इसमें काफी अच्छे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में जो मैंने अभी शुरू में बताई है ये बदलाव करके साथ ही सुबह सुबह खाली पेट एक पान का पत्ता खाना शुरू कर दें, जिससे आपके शरीर में इतने बदलाव होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जितने इसमें मिनरल और विटामिन्स हैं, उनकी हमारे शरीर को जरूरत रहती है। आपको इस पान के पत्ते को सुबह उठते ही बासी मुंह खाली पेट खाना है, क्योंकि सारी रात जो हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं वो कुछ इस प्रकार के एसिड्स, कुछ इस प्रकार के जूसेस रिलीज करते हैं कि हम जो भी चीज सबसे पहले खाते हैं वो अच्छे से हमारे शरीर में पच पाती है और अपना 100% रिजल्ट दे पाती है। जिन लोगों को पित्त की समस्या है, यानी जली जली डकारे आती हैं, ऐसा लगता है बिना खाए भी कि पेट भरा हुआ है, उन लोगों के लिए पान का पत्ता वरदान है, क्योंकि पान का पत्ता पित्त नाशक है। वो पित्त को खत्म करता है और आपके पैनक्रियास को सॉलिड बनाता है, क्योंकि उससे आपको इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से मिल पाएगी। आजकल आप जानते हैं एक भयंकर रोग और भी है जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर आप जानते हैं क्या है? कैंसर है डेड सेल्स, जो हमारी सेल्स डेड हो जाती हैं और वो बढ़ती चली जाती हैं, जिसके कारण शरीर में कैंसर ज्यादा रूप से फैलता चला जाता है। पर अगर आप जीवित खाने का इस्तेमाल करेंगे, यानी फल फ्रूट्स खाएंगे, स्प्राउट्स खाएंगे, तली भुनी और मसालेदार चीजें नहीं खाएंगे, प्रकृति माँ ने जिस चीज को हमें जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से उसका सेवन करेंगे तो आप अपने कैंसर जैसे रोग को भी खत्म कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ये एक पान का पत्ता भी खा रहे हैं तो आपके शरीर में कैंसर होने के और भी कम चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि पान का पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। साथ ही इसे हमें प्रकृति माँ ने दिया है और ये पान के पत्ते में जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, अब ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है कि जो मरे हुए सेल्स आपस में मिलकर चैन बना लेते हैं वही एक कैंसर का रूप ले लेते हैं, पर ये एंटीऑक्सीडेंट्स उन मरे हुए सेल्स को चैन बनाने ही नहीं देते। और ये तो आप भी जानते हैं, जो आपके आसपास में ये इतने बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि आखिर आपको कैंसर किस कारण हुआ है, क्योंकि इनकी दुकानें भी तो बंद हो सकती हैं। वो तो बस आपके कैंसर का इलाज करेंगे और ऐसी ऐसी दवाइयां देंगे जो आपके शरीर को बिल्कुल अंदर से खोखला कर देगी। उन्हीं में कीमोथेरेपी भी एक इलाज है। आप तो जानते ही हैं, जिन लोगों को कीमोथेरेपी हो जाता है उनके शरीर के बाल तक खत्म हो जाते हैं, तो शरीर को अंदर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता होगा इसके बारे में तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए अगर आप सही इलाज चाहते हैं तो आपको हर एक बीमारी को अच्छे से समझना होगा। अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द होता है, तो पान का पत्ता आपके लिए वरदान है। आप तो जानते ही हैं, जोड़ों के दर्द की कोई एज लिमिट नहीं है। पहले की बातें अलग थी कि 50 साल के बाद में ही आपके जोड़ों में दर्द होता था, पर आजकल 25 से 30 साल में भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। पर अगर आप एक पान के पत्ते के साथ गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर उसे खा लेंगे तो आपको काफी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। आप 3 से 4 महीने में खुद देखेंगे इतने बड़े बदलाव होंगे आपके शरीर के साथ कि आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि आखिर पान के पत्ते से ये कमाल हुआ कैसे, तो आपको इसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, आप कोई भी चीज खाते हैं तो वो आपके खून में मिल जाती है, और अगर आप एसिडिक चीजें खाएंगे जैसे बाहर की तला भुना या इस तरह की काफी चीजें होती हैं जो एसिडिक होती हैं, उन्हें अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे खून में एसिड मिल जाता है। वही एसिड आगे जाकर ज्वाइंट्स पर स्ट्रोंग रूप से जम जाता है, जिसके कारण
वहाँ पर अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। और ये यूरिक एसिड जब आपके जोड़ों में जम जाता है तो आपको चलने फिरने में और ज्वाइंट को हिलाने में काफी तकलीफ होती है। इसकी शुरुआत होती है कटकट की आवाज से और धीरे धीरे आपके घुटनों में सूजन आने लग जाता है। बस आपको इसका इलाज करने के लिए क्या करना है कि अपने खून का यूरिक एसिड कम करना है, अपने खून में से उस यूरिक एसिड को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको सुबह खाली पेट पान का पत्ता खाना है और साथ ही भरपूर मात्रा में गुनगुना पानी पीना है। आप जितनी भी एल्कालाइन चीजें खाएंगे उतना ही आपके शरीर का आपके खून का एसिड कम होता जाएगा। एसिड को कम करने के लिए एल्कालाइन रूप में पेठे का जूस पी सकते हैं, आप एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं, या आपको कुछ ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जिनमें वाटर लेवल काफी अच्छा हो। बस आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है क्योंकि जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सारी एसिडिक होती हैं। और इसी अर्थराइटिस में बात करें कि डॉक्टर आपका क्या इलाज करेंगे। अर्थराइटिस में डॉक्टर सिर्फ आपको पेन किलर देंगे, वो कभी भी अर्थराइटिस का ना तो आपको कारण बताएंगे, पेन किलर खिलाएंगे जिससे आपको शुरू में तो एकदम से आराम मिलेगा पर धीरे धीरे वो पेन किलर्स भी आप पर असर करना छोड़ देंगी। और उसके बाद में स्टेरॉइड के इंजेक्शन से लेकर पता नहीं किस किस तरह की ट्रीटमेंट की जाएगी। और इसी के साथ में अगर आपके दांतों में दर्द है, ठंडा गर्म लगता है, सेंसिटिविटी है, तो भी आप पान के पत्ते के साथ में एक गेहूं के दाने जितना चूना खा सकते हैं, वो भी इसका एक अच्छा इलाज है। आपके दांतों में खट्टा, आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगना बंद हो जाएगा। साथ ही पान के पत्ते से आपके दांत मजबूत भी हो जाएंगे क्योंकि हम इसके साथ में ले रहे हैं चूना जो सीधा कैल्शियम का सोर्स है। पर इसी के विपरीत अगर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, तो वो आपको ऐसे इलाज बताएगा कि आपको अपने दांतों को डेड करवाना पड़ेगा ताकि जो नर्वस सिस्टम है वो उनसे ना जुड़े और उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो सके। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि ये कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है, इसी के कारण इनकी परत उतर रही है और आपके दांतों को ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है। पर आपको ये बात सीधा साधा समझनी होगी कि अगर आपके दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द है, कोई भी सेंसिटिविटी है, तो आपको कैल्शियम की कमी है और आप जैसे ही कैल्शियम की कमी पूरी कर देंगे तो आपके दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर किसी इंसान को पथरी की प्रॉब्लम है, खासकर किडनी की पथरी की, तो उसे पान का पत्ता और चूना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये एक कैल्शियम के भरपूर स्रोत हैं जिससे उनकी पथरी का लेवल बढ़ सकता है। इसलिए अपनी पथरी का जरूर पहले चेकअप करवा लें। इसलिए जितना टाइम आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है वो भूलकर भी चूना और पान का पत्ता ना खाएं, जब तक उनका ये किडनी स्टोन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। हाँ, खत्म होने के बाद वो पान का पत्ता और चूने को खा सकते हैं। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, अगर आप किडनी स्टोन्स के लिए ऑपरेट करवाना चाहते हैं या डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो वो भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको अपने किडनी स्टोन्स को खत्म करना है तो आपको सीधी सी बात समझनी होगी कि वो एसिड्स का स्ट्रॉन्ग रूप है। आप जैसे ही अपने शरीर को एल्कालाइन करेंगे, किडनी को डिटॉक्सिफाई कर देंगे, तो आपके जो किडनी स्टोन्स हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको सुबह सुबह भरपूर मात्रा में गुनगुना पानी पीना है या सुबह सुबह आप पेठे का जूस पी सकते हैं जिससे आपका शरीर पूरी तरीके से एल्कालाइन हो जाएगा, उसका पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा और आपके शरीर की जो पथरी वाली समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अपने शरीर का इलाज करना आपके लिए काफी छोटी बात है। अगर आप उसे अच्छे से समझ पाए तो आप अपने शरीर की किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, भगवान ने हमारे शरीर को इस प्रकार से बनाया है कि हमें कोई भी बीमारी हो, अगर कोई भी दिक्कत आए शरीर में, तो उसके सिम्टम्स शरीर खुद देने लग जाता है। अगर हमें फीवर जैसी प्रॉब्लम आई है, शरीर में बुखार आया है, तो उसका मतलब साफ है कि शरीर में कोई ऐसा वायरस आ गया है जिसे शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाकर खत्म करना चाहता है। पर उसके उलट हम करते क्या हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार उतारने की दवाई लेते हैं और शरीर को उस वायरस से नहीं लड़ने देते, जिसके कारण वो वायरस दोबारा से शरीर पर और भी तगड़े तरीके से हमला करता है
और उस बीमारी को और भी बड़े रूप में लेकर आता है। पर आपको अपनी बीमारी को खुद समझना होगा, उसका खुद इलाज ढूंढना होगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना किस प्रकार से आप पान के पत्ते से कितने भयंकर रोगों से बच सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने और भी नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक का हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए तरीके के साथ। धन्यवाद।